हेलो सर। हेलो हेलो, या जी जी बताइए बताइए। गुड गुड इवनिंग सर। हाँ इवनिंग। सर, एक्चुअली मेरे 3 क्वेश्चंस हैं सर। फॉर रिगार्डिंग फिबोनाची है, फिबोनाची एक्सटेंशन का। ओके मुझे इन पुल बैक यानी डाउन ट्रेंड में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है। और सर सेकंड सेकंड उसमें है, जो मैंने बता मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन से है करके। हाँ सर, ठीक सेकेंड सर वो मेरा इंट्राडे सेटअप का है, है वो सब मैंने लिख लिया है। और लास्टली थोड़ा इंट्राडे और स्विंग के बारे में पूछना है सर आपको। ऐसे 3 मेरे क्वेश्चन है। ठीक है। तो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बताइए। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फिबोनाची एक्सटेंशन के लिए। ठीक है। हाँ सर, तो फिबोनाची एक्सटेंशन में मैं आपको, कोई बात नहीं, दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। जैसे चलिए निफ्टी, इस निफ्टी की ही बात करते हैं। ठीक है। यस सर। अब फिबोनाची एक्सटेंशन हमें क्या बताता है? फिबोनाची एक्सटेंशन हमें बताता है कि कभी भी कोई हाई को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, कोई भी अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर जाता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो कितने लेवल तक ऊपर जा सकता है और वो कहाँ से रिवर्स कर सकता है? ठीक यस है। यस अब सर। स्टॉक मार्केट पे कोई भी टूल की बात करे तो वो एक परफेक्ट लेवल हमें नहीं बता सकता कि वो कहाँ से ही रिवर्स करेगा। फिबोनाची एक्सटेंशन भी परफेक्ट नहीं है, इसीलिए वो हमें 3 लेवल्स बताता है। 3 लेवल्स कौन से थे? 1.272 का, 1.414 और 1.618। यस ठीक है। यस अब हमने बोला कि फिबोनाची एक्सटेंशन हमें बताता है कि स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, ठीक है, यस और अगर हम लोग डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो कितना नीचे जा सकता है। अब सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि जब हम फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ करेंगे तो हमें देखना है कि हमारा जो स्विंग हाई है वो ब्रेक होना चाहिए या फिर स्विंग लो ब्रेक होना चाहिए। अगर मैं इस केस में बात करता हूँ तो इस केस में जो हमारा स्विंग हाई है वो क्या है? ये लेवल। यस ठीक है। यस हमारा ये लेवल है, मतलब आप देखेंगे कि एक ट्रेंड आया, रिट्रेसमेंट लिया और अपने स्विंग हाई को यहाँ पर ब्रेक कर गया। ओके ठीक है। जब यस इसने ब्रेक करा तो अब हमें पता लगाना है कि ये स्टॉक कितना ऊपर तक जा सकता है, तो उसके लिए हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशंस का यूज करते हैं। आप मान के चलिए कि ये स्टॉक अभी, चलिए मैं ना इसको अभी हटा देता हूँ आप लोगों के लिए। जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है ठीक है। अब ये हमें लगता है कि स्विंग हाई को ब्रेक करेगा। लेट्स यूज फिबोनाची एक्सटेंशन। जो हमारा लो पॉइंट है, जो हमारा ट्रेंड था, उस ट्रेंड का जो लो पॉइंट है उस पे यस हम लेंगे। जो हमारा स्विंग हाई है, जहां से वो ब्रेकआउट दे रहा है, वो स्विंग हाई को टेस्ट करेंगे और एक यस बार और नीचे जाएंगे, जो हमारे ट्रेंड का बॉटम था। यस ठीक है। इतने पॉइंट आ सर गया। अब हम लोगों यस ने सर देखी, ये 3 लेवल्स हमें पता चल गए हैं कि ये 3 लेवल तक स्टॉक आ सकता है। आपको ये चीज दिख रही है यहाँ पे? यस सर यस सर ठीक है। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ सर। यस। अब यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहली चीज क्या हुआ? जो हमारे ये 3 लेवल्स हैं, मैंने आपको बताया 3 लेवल्स में से कहीं से भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मैं एक जोन क्रिएट कर देता हूं आपके लिए। ठीक है। इस यस जोन सर के अंदर कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो चलिए, सबसे पहली बार क्या हुआ? ब्रेकआउट दिया, एग्जैक्ट यहां पर हाई आया और उसके बाद दोबारा नीचे आ रहा है। ठीक यस है। यस सर इंडिकेशन ये नहीं है कि यहां पर हमें शॉर्ट करना है। देखिए, एक स्टॉक को, ये बात ध्यान से समझना, एक स्टॉक को हमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट पे लेकर चलना पड़ता है, या फिर बाय या फिर सेल। इस ओके पर्टिकुलर स्टॉक पे हमारे लिए बाय लेवल क्या था? ये ब्रेकआउट लेवल था, यहां पर यस हमें बाय करना था। यहां पर सेल के लिए हमें नहीं सोचना। ठीक है। हमने यस एक डिसीजन लेना है, बाय या फिर सेल। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? स्टॉक दोबारा ऊपर गया। अब आप एक चीज और देखिए, जब ये जो 272 है, 1.272, क्लियर दिख रहा है आपको? यस सर आपने देखा कि स्टॉक पे जब इंडेक्स ऊपर गया तो यहाँ रेजिस्टेंस मिला, इसे यस सर हल्का सा नीचे आया। अब वो यस दोबारा ऊपर गया तो उसे दोबारा रेजिस्टेंस कहां पर मिला? 1.4 पर 1.414 पे, और एग्जैक्ट वहां से नीचे आया। तो आप बताइए, क्या यस फिबोनाची एक्सटेंशन हमारा काम अच्छे से कर रहा है? यस सर कर रहे बिल्कुल ठीक से कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी
तो इस तरीके से काम करा। अब ये हम प्लान करके नहीं चल सकते कि वो एग्जैक्ट 1.618 तक ही जाएगा, ठीक है। ये एक जोन मैंने जो ब्लू कलर का बनाया वो हमें इंडिकेट करता है कि अगर उस जोन में से एक रिवर्सल आता है तो हम लोग देख सकते हैं कि वहां पर एक सेलिंग आ सकती है। बट अभी हमें बाय के लिए ही सोचना होता है क्योंकि हम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, हम ब्रेकआउट पे बाय के लिए सोच रहे हैं। तो ये लेवल से हमें बाय करना है, यहां पर सेलिंग के लिए नहीं सोचना। अब सेलिंग के लिए अगर हम लोग कहां सोच सकते हैं, सेलिंग के लिए सोच सकते हैं कि अगर ये 1.618 तक आता है, अगर ये 1.618 तक आता है क्योंकि वो एक हाईएस्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस का, ठीक है। वहां पर हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं कि वहां पर एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है और वहां पर डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन भी बना के चल सकते हैं। या फिर कोई बात नहीं, अगर वो वहां तक नहीं आता स्टॉक, मान के चलते हैं वो स्टॉक इस लाइन तक आया है, इस लाइन तक। अब यहां से अगर वो नीचे जा रहा है तो हम फिर प्राइस एक्शन को देखेंगे कि वो अगर यहां से नीचे जा रहा है तो कोई शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ही शॉर्ट करेंगे। क्या अपॉर्चुनिटी मिली? इसने एक इंडिसाइसिव कैंडल बनाई, ठीक है, वो नीचे आया, वो दोबारा नीचे आया। अब आप एक चीज देखिए, जब हम लोग ने रिलायबल पैटर्न के बारे में पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हाई रिलायबल और या मीडियम रिलायबल पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहां पर अब आप देखिएगा, जब ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल था, अब शॉर्ट करना भी चाहें आप, ये एक इंडिसाइसिव कैंडल बनी, ये एक ट्रेंड आया है, ठीक है। इस इंडिसाइसिव कैंडल से पहली दो कैंडल का हमने बोला था कि जो मिड है वो ब्रेक करता है तो हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं, ये बात हम लोगों ने आपको रिलायबल पैटर्न पे बताई थी। चलिए ये वाली कैंडल बनी, कोई बात नहीं, ये मीडियम रिलायबल बना, हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया। जब ये दूसरी कैंडल बनी तो ये जो मिड 50 था इसको ब्रेक करा, जब मिड 50 को ब्रेक करके क्लोज करा, यहां पर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप मान के चलो कि आपको यहां पर भी शॉर्ट नहीं करना, आपको एक चीज लग रहा है कि यार अगर मैं यहां पर भी शॉर्ट करता हूं तो यार ये एक पहले से सपोर्ट का काम कर रही है लाइन, ये देख रहे हैं, तो मैं यहां शॉर्ट नहीं करूंगा। तो कोई बात नहीं, अगर ये एक कंफर्मेशन पहली बात हमें मिल गया सेल के लिए, एक कंफर्मेशन हमें सेल के लिए मिल गया। दूसरा कंफर्मेशन कैसे मिला? जब इसके नीचे ये ब्रेक डाउन करा, जब इसने इसको भी ब्रेक डाउन करा तो हमें कंफर्मेशन दो मिल गए, अब तो हम यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका सपोर्ट क्या होना चाहिए, मतलब वो कहां जाके रुक सकता है, जो कि प्रीवियस स्विंग हाई है जहां से ब्रेकआउट दिया था उसने, तो ब्रेकआउट कहां से दिया था? इस लेवल से। क्लियर हुआ? अब इसके अलावा चलिए एक बार डाउन ट्रेंड का भी फाइंड करते हैं, अगर हमें मिलता है। डाउन ट्रेंड में सर मेरे पास एक स्टॉक था, उसमें मैं देख रहा था सर, हाँ बताइए, स्टॉक का नाम बता बाटा दीजिए। इंडिया का। ओके, एक सेकंड, मैं रिमूव कर देता हूँ सर। या यहाँ पे बताइए। सर एक्चुअली मेरा इसमें ये था कि मैं इंट्राडे करता हूँ, तो ठीक सर है, ये फिबोनाची एक्सटेंशन सर 1 आवर में प्लॉट करना है या 15 मिनट चार्ट में? आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम को रखना है। आपको मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये मुझे इंट्राडे, अभी मार्केट ओपन है, ठीक है, और ये मुझे इंट्राडे के लिए स्टॉक चाहिए। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इंट्राडे में डेफिनेटली हमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आर्ली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे एक बार इसको स्टडी करूंगा कि वो दिखा क्या रहा है। मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक अपसाइड आई, दोबारा नीचे आया, अगेन एक अपसाइड आई, दोबारा नीचे आया, ऊपर गया, तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। यस सर अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें दिख रहा है, अब क्या इसके नीचे ब्रेक डाउन करा? नहीं अब करा। अभी तक क्लोजिंग नहीं करी इसके नीचे, तो यस डेली चार्ट्स पे एक चीज हमें पता चली कि ये अभी सेल के लिए नहीं आया है, ठीक ओके है, अभी यस ये सेल के लिए नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर दी, तो मुझे पता चला ये अभी एक रेंज के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर मैं सेल के लिए कब अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा, मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूंगा कि जब ये लेवल ब्रेक होगा, ये वाला लेवल, ठीक हाँ है,
तो मैं शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा और मैं उसको फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन पे ट्रेड करूंगा, ठीक है? ओके या अब मान के चलते हैं कि कल ये इस जोन के ऊपर चला जाता है दोबारा, इस हाँ जोन के ऊपर ये दोबारा चले जाता है, तो हम लोग फिर बाइंग के लिए सेटअप्स को ढूंढेंगे, ओके सर ठीक है? हर यस जगह फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज नहीं है, फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज आपको तभी आएगा, मैं दिखा देता हूं, फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज तभी आएगा कि स्टॉक ऊपर गया, हाँ नीचे आया और दोबारा ऊपर जाके प्रीवियस लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो हम यहां पर फिबोनाची प्लॉट कर सकते हैं, या फिर नीचे आ रहा है, स्टॉक ने पुल बैक लिया फिर नीचे आ रहा है और इसको ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग बोल यस सकते हैं कि फिबोनाची एक्सटेंशन हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इस बीच के अंदर कोई हेड एंड शोल्डर बन रहा है या कुछ और पैटर्न बन रहा है तो फिबोनाची एक्सटेंशन ज्यादा काम नहीं आता, सिर्फ एक ओके ट्रेंड में फिबोनाची काम आता है, मतलब एक डाउन ट्रेंड, पुल बैक और ब्रेक करा, तो यहां पर आप फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ कर लो, जैसा कि अभी हम लोगों को निफ्टी में देखने को मिला था, यस ठीक सर है? यस सर अब आप ऐसे एक बार ड्रॉ करके देखना। अब आप ओके देखिएगा एक चीज और ऑब्जर्व करिए, अभी हम लोगों ने जब बात करी, हम लोगों ने इतनी चीज देखी, आप लोगों को हेड एंड शोल्डर के बारे में मैंने बताया था, आपको सिर्फ पता करना है कि एक वी शेप रिकवरी अगर आ रही हो, इस तरीके से बन रहा हो, क्या ये एक हाँ इस तरीके से बन रहा है? यस सर अब उसके साथ में आपको दो शोल्डर और देखने लेने हैं, अगर दो शोल्डर बन रहे तो एक हेड एंड शोल्डर हो गया, ये नेक लाइन हो गई, ठीक है? यस अब आप यस एक सर चीज देखिए, जब मैंने नेक लाइन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करा तो आपको एक चीज ये दिख रहा है कि यहां पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ये यस सर जब ये रेजिस्टेंस था और इसी लेवल से एक शार्प फॉल भी हमें देखने को मिला था, तो यस क्या सर ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है? यस सर अब इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर रहा तो आप एक बात समझिए, एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, एक जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो सपोर्ट का काम कर रहा है, जब यस दोनों चीजें का ब्रेकडाउन आएगा तो बहुत क्लियर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यस ठीक सर है? बट हम ये भी मान के चल सकते हैं कि यहां से ऊपर भी जा सकता है, ठीक ओके है? सर क्योंकि यस पहले रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट है, ओके सर इस बेसिस पे फिर आपको ट्रेड करना है, यस सर ठीक है? यस सर इसके अलावा बताइए। सर यही सर इसमें ही है कि अगर स्टॉक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में बुलिश है ठीक है, और शॉर्ट टर्म यानी डेली में वो बुलिश बता रहा है और इसमें 1 आवर में सर वो बेरिश है ठीक है। तो वो उसमें कैसे सर ये करना है। देखिए अब यहां पर यही कंफ्यूजन आती है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है, तो आपके जो टारगेट्स होंगे वो कितनी देर में आ जाएंगे? मैक्स टू मैक्स 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर हमारे टारगेट्स आ जाएंगे, यस सर ठीक है? अब आपने देखा कि डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक बुलिश है, आर्ली टाइम फ्रेम पे वीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आप आर्ली चार्ट्स पे आओ, ठीक है? आर्ली चार्ट्स पे आप आओ, आर्ली चार्ट्स पे आप देख रहे हो कि यार एक डाउन ट्रेंड हो रहा है, ठीक है? लोअर लोज एंड लोअर हाईज ही फॉर्म कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, यहां पर हमने देखा कि नीचे आया ऊपर गया, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, अगेन नीचे आया प्रीवियस लो को ब्रेक कर गया, फिर ऊपर गया प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा, दोबारा नीचे आया प्रीवियस लो को ब्रेक करा, तो मतलब एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है? यस क्लियर हो सर गया? अब यस यहां पर आपको बाय सेटअप कब जनरेट करना है, यही तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस है। मैं एक बार दोबारा डेली टाइम फ्रेम पे आता हूं, ठीक है? यहां यस पर मैंने आपसे बात करी कि मुझे बाय के लिए चाहिए क्योंकि ये एक सपोर्ट लाइन पे है, ठीक है? मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक सपोर्ट लाइन पे है तो मैं बाय के लिए मौके ढूंढूंगा। अब आप यस सर बताइए मैं बाय के लिए कब मौके ढूंढूंगा, इसका आंसर अगर आप दे पाए। मैं अर्ली टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं, मुझे अब यहां पर बाय के लिए मौके सिलेक्ट करने हैं, सर ये हायर हाई हाई और हायर लो बना रहे यस। तो अगर ये हायर हाई, अगर हायर लो बनाता है तो मैं बाय के लिए सोचूंगा। अब आप यस मान के चलो, अभी मैं दिखाता हूं अगर ये स्टॉक क्या करता है, ठीक है? अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपने देखा कि मार्केट ओपन हो गई है, ये कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जा रहा है, प्रीवियस हाई क्या है इसका? प्रीवियस हाई यस ये है, हाँ ठीक है? अब यस आपने सर देखा स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अब यहां पर कहीं आके पॉज कर गया, यहां पर आके हम देख रहे हैं कि एक वही हम अब क्या फाइंड करेंगे, मीडियम रिलायबल या हाई रिलायबल पैटर्न। हमने देखा एक इंडिसाइसिव कैंडल बना रहा है और वहां से वो नीचे आना स्टार्ट कर रहा है, क्या आपको एक कंफर्मेशन मिल गई कि अभी भी प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा, यस अगेन सर ये लोअर लो बना रहा है, तो अब ये डायरेक्टली नीचे आ सकता है, ओके ठीक है? देखिए यस सर यहां पर क्या हुआ, इधर साइड देखिएगा, ये प्रीवियस हाई था, हाँ
ये स्टॉक नीचे आया, यस सर, जब ये दोबारा ऊपर गया, आपने देखा एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, यस सर, उसके बाद कंटिन्यूसली ये नीचे आते रहा, तो यहां पर हमें ऐसे ट्रेंड को फाइंड करना है, ठीक है। अब यस सर, एक चीज देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि वो स्टॉक कितना ऊपर जाके रिवर्स कर सकता है? एक तो तरीका है कि आप पहले एक इंडिसाइसिव कैंडल को पता लगाओ। यस सर, दूसरा तरीका क्या है, आपने देखा कि ये एक बार बार सपोर्ट का काम कर रहा था, ये देख रहे हैं फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकंड टाइम सपोर्ट, जब उसे ब्रेक करा तो यहां पर रीटेस्ट भी करके रेजिस्ट, नीचे गया है। यस सर, हो सकता है कि यहां तक ही स्टॉक आए, उसके बाद दोबारा नीचे जाना शुरू कर दे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं, देखिए ये एक लेवल था, हाँ सर, ये सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन करा, इसी लेवल पे इसने दोबारा रीटेस्ट करा और फिर नीचे आया, यस सर, फिर ऊपर गया, वहीं पर इसने दोबारा करा और शार्प फॉल आ गई, तो यस सर, हो सकता है कि यहां पर भी ऐसा हो जाए। तो ये ओके, अपॉर्चुनिटीज आपको फाइंड करनी है। आपने देखा कि आर्ली टाइम फ्रेम के अंदर एक ऐसी कैंडल बन रही है, ठीक है, आपने गया, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए, आपने एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करी और उसके बाद आप यस, शॉर्ट कर सकते हो। अब ये आर्ली कैंडल है, अब आपने देखा कि 12 बज रहे हैं, 12 बजे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके पास 3 घंटे हैं। अब यस तीन सर, घंटे पे आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर, ओके सर, ठीक है। इस यस सर, तरीके से फाइंड करा जाएगा। आप अभी डेली चार्ट्स तो हमें बियरिश बता रहा है, पर डेली चार्ट्स हाँ हमें बता रहे कि रिवर्सल भी आ सकता है। और मैंने डेली चार्ट्स पे आपको क्या बोला, जब जोन का ब्रेकआउट हो, जोन का यस, ब्रेकआउट कब आ रहा है, जोन का ब्रेकआउट आ रहा है अराउंड 1480 पे, अभी ट्रेड कर रहा है 1476 पे। यस अब सर, डेली चार्ट्स पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं जोन के ब्रेकआउट पे बाय करूंगा, बट मैं आर्ली चार्ट पे जब आया तो मुझे पता चला कि हमें ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना है ना, हमें यस जोन के ऊपर बाय नहीं करना, क्योंकि लोअर लो बना रहा है और ऊपर दोबारा रेजिस्टेंस है। तो यस ऐसे सर, कंफर्मेशन लेते जाओ, और उसके बाद आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने की कोशिश करो, ओके सर, सर ठीक है। ये अभी ये सर लोअर हाई बना रहा है, तो इसमें हम लोग फिबोनाची ने रिट्रेसमेंट या और एक्सटेंशन इसमें नहीं ड्रॉ कर सकते क्या सर? नहीं, इस पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अब आपने एक चीज देखी है, आप देखो जैसे ये एक फॉल आया, इस लेवल यस से सर, स्टॉक ऊपर गया और दोबारा नीचे आया, तो यस आपने सर, क्या करा, यहीं पर ही फिबोनाची बना दिया, ये हमारा टॉप, ये हमारा बॉटम, एंड मैंने एक फिबोनाची बना दिया, ओके सर, ठीक है। अब यस यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, स्टॉक ने क्या करा, ब्रेक करा प्रीवियस लो को, हाँ, नीचे गया, नीचे गया, एग्जैक्ट 1.414 तक आया, उसके बाद दोबारा रिवर्स कर रहा है, यस सर, ठीक है। निफ्टी में भी वही हुआ था कि 1.414 तक आया था, दोबारा रिवर्स कर रहा था, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। आपने देखा ये ब्रेकडाउन आ गया, ये यस ब्रेकडाउन भी आ गया, ये रीटेस्ट भी कर चुका, यहां पर ये देखिए इस लेवल यस पे ये रीटेस्ट भी कर चुका। अब नीचे आप शॉर्ट जब करोगे, आप यस शॉर्ट कब करोगे मैं दिखाता हूं आपको। आपने शॉर्ट करा ये लेवल ब्रेक होने पे, ये लाइन देख रहे हो, यस ये सर, वाली लाइन, हाँ रीटेस्ट करा, नीचे आया, यस, ब्रेक करा। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक सेकंड रुकिए, मैं ना इसको भी रिप्ले में करके आपको दिखाता हूँ रिप्लाई। तो हम देखते हैं कि ये ब्रेकडाउन आ रहा है, जस्ट वेट अ सेकंड, यस यहां पे अब ब्रेकडाउन आएगा, चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं, यस सर, यहां पर आप देखते रहिएगा, यस सर, क्लियर। आपको देखा एक शार्प फॉल हमें देखने को मिली, यस सर, आपने जब ये शार्प फॉल देखी आपने तुरंत वहां पर ट्रेड ले लेना है। यस सर, देखिए पूरे के पूरे हमें टारगेट्स जो भी आपके होंगे वो आपको अचीव हो गए होंगे, यस सर, ठीक है, और हमें इतना ऊपर तो टारगेट रखना ही नहीं है। अब आप दोबारा देखिए, आपने चलिए अपॉर्चुनिटी यहां पर मिस कर दी, जब आपने अपॉर्चुनिटी मिस करी तो वो एक बार दोबारा रीटेस्ट के लिए आया, यस सर, देखिए रीटेस्ट आने के बाद दोबारा आपको अच्छे लेवल्स देकर गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 30 पॉइंट्स देकर गया है। अब यस थर्टी सर, पॉइंट्स इंट्राडे के अंदर, वो भी 3 कैंडल के अंदर, मतलब विद इन 45 मिनट्स आपको ये 30 पॉइंट्स देकर जा चुका है, ठीक है। यस सर, चलिए आगे और देखते हैं कि अभी क्या कर रहा है, एग्जैक्ट इसी लेवल पे है। अब अगर चलिए आपको बाय भी करना हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप सोच रहे हो कि मैं बाय करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 10-15 रुपए के लिए बाय करना चाहता हूँ, आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर क्लोजिंग दे 1490 के ऊपर,
एक कैंडल यस क्लोजिंग दे, दो कैंडल क्लोजिंग दे, कोई भी कंफर्मेशन आपको बढ़िया चाहिए हो वो लीजिए, उसके बाद दोबारा बाय के लिए जाइए, ओके सर, ठीक है? इस यस सर, तरीके से आप कर सकते हैं। ओके सर। ओके सर ये मुझे पूछना था कि सर जब हम लोग एक्सटेंशन फिबोनाची एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते तो हाँ इंट्राडे के लिए सर उसके अंदर 2-3 डेज का भी हम लोग ले सकते हैं क्या, हाँ आप स्विंग हाई ले सकते स्विंग हो। लो? देखिए आपको एक ट्रेंड फाइंड करना है, आपका ट्रेंड कुछ भी हो सकता है। अब मैं अगर सोच के चलूं कि मैं यार इतना बड़ा फिबोनाची लूंगा तो भी मैं ले सकता हूं, मैं वरना यहां से भी फिबोनाची ले सकता हूं इस लेवल से, ठीक है? यस अगर मेरा आपके ऊपर डिपेंड है वो, मैंने आपको बोला आप चेंजेस कर सकते हो, आपको लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट आ गई है, अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करता हूँ तो जो टारगेट्स होंगे बहुत ज्यादा नीचे होंगे, तो यार मुझे ज्यादा टारगेट्स नहीं चाहिए, मैं लोअर ट्रेंड ले लेता हूँ, मेरे को ये ट्रेंड पसंद है, मैं सिर्फ यहां से ले लेता हूँ ट्रेंड। आप लेने के लिए यहां से भी फिबोनाची एक्सटेंशन या रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं है। सर एक 1 डे अर्ली का स्विंग हाई ले लिया तो भी चलेगा ना सर, क्योंकि क्या फिर इस 1 डे यानी आज 23 है और ठीक है? 22 का 22 का जो स्विंग हाई बता रहा है, स्विंग हाँ हाई वहां से आप प्लॉट कर सकते हैं क्या सर? क्योंकि अगर इसके पहले के ये 19 तक आ रहा है नहीं नहीं तो आप कर नाइन सकते हो, देखिए मैं आपका पॉइंट समझ गया। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अभी आपको मैंने जब निफ्टी और बाटा बताया तो हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज देखी थी कि जब मैं डेली चार्ट्स पे फिबोनाची प्लॉट कर रहा था तो इसके जो टारगेट्स थे बहुत ज्यादा नीचे थे, यस सर, ठीक है? इनके जो यस टारगेट्स थे वो बहुत ज्यादा नीचे थे, मतलब यस सर, ऑलमोस्ट 5-5% के टारगेट थे। अब वो आपको इंट्राडे में तो नहीं मिलेगा, बराबर, यस सर, अब कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो कि मुझे रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन ड्रॉ करना है 15 मिनट पे, बट मेरा जो स्विंग लो ब्रेक करेगा, कभी भी स्विंग लो ब्रेक करेगा, आप ये कह रहे हो कि वो प्रीवियस कैंडल का अगर करता है डेली में तो मैं ट्रेड बनाऊं, यस सर, ठीक है कोई बात नहीं। अब आपने चलिए देखा, कोई भी कैंडल ले लेते हैं, आपने देखा कि ये वाली कैंडल ही मान के चलते हैं, ठीक है? ये वाली कैंडल है, यस इस कैंडल का हम लोग ने देखा कि ये स्विंग लो है, ठीक है? इस स्विंग लो का चलिए ब्रेकडाउन की बात करते हैं। अब आप ना क्लोजिंग बेसिस पे ज्यादातर रखने की कोशिश करना, यस ठीक है? कि सर, अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो, अब आपने देखा कि डेली टाइम फ्रेम पे मेरा जो प्रीवियस स्विंग की क्लोजिंग है वो ब्रेक कर रही है, मतलब ब्रेक कर रही है, जब यस ब्रेक कर रही है तो एक कन्फर्मेशन ले लेना, मैं आपको दिखाता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम कर दिया, हमने देखा कि यहां पर ये ब्रेकडाउन आया है, ये यस सर, प्रीवियस स्विंग लो है हमारा ये, यस सर, बराबर, ठीक या है? अब इसको जब इसने ब्रेक करा तो आप एक चीज देख लेना कि 1 आवर पे वो क्लोजिंग कर दे, ओके सर, 1 आवर पे जब क्लोजिंग कर देगा तब आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ट्रेड कैसे करेंगे, जब क्लोजिंग देगा या फिर आप क्लोजिंग प्राइस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अब आप बात सुनिए, जब आप क्लोजिंग प्राइस पे ट्रेड करेंगे तो वो जिस लेवल से ब्रेकडाउन आया होगा उससे थोड़ा सा तो नीचे ही होगा यस सर, डेफिनेटली, तो आपको वो चीज डिसाइड करनी है कि अगर रिस्क कम है, मतलब ये जो डिफरेंस है, ये छोटा सा जो डिफरेंस है ट्रेंड लाइन के और क्लोजिंग प्राइस के में, अगर वो बहुत कम है तो आप उसी टाइम शॉर्ट कर सकते हो, या फिर आप 15 मिनट पे जाओगे और आप फाइंड करोगे कि यार अगर मुझे एक रिट्रेसमेंट मिलता है, मतलब एक पुल बैक मिलता है, तो मैं पुल बैक पे शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, ओके सर, ठीक है? ये देखिए ये वाली कैंडल का ब्रेकडाउन आया, यस पंद्रह सर, मिनट भी क्लोज करी, उसके बाद एक पुल बैक दिया और दोबारा नीचे आ गया, ठीक है? ओके अब सर, कभी भी ज्यादातर लोगों के माइंड में पता हूँ क्या आता है, जैसे ये नीचे ब्रेकडाउन करा अब ऊपर जा रहा है, आपने देखा यार ये मेरी दोबारा जिस लेवल से मैं शॉर्ट करना चाह रहा था वो तो उससे दोबारा ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर गया, तो यस ट्रेंड तो सर, चेंज नहीं हो गया, तो कभी यस सर, भी इस चीज में कंफ्यूज मत हुआ करिए, ठीक ओके, है? यस सर, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के माइंड में ये बात आ जाती है कि यार ब्रेकडाउन तो दे दिया अब दोबारा ऊपर जा रहा है, अब ये हाँ सर, दोबारा ऊपर बराबर, जा रहा है, आप एक चीज देखिए, मैं एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं, क्या यहां पर आपको एक चीज दिख रही है कि ये लाइन किस, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देख रहे यस हैं? सर, यस एक सर, शार्प बुलिश मूवमेंट देखने को मिली एग्जैक्ट इसी लेवल से, और ये यस डबल बॉटम है, डबल बॉटम अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये प्रीवियस वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, अगर मैं यस अभी सर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो ये एक डबल बॉटम बना होगा, तो क्या यस ये लेवल इंपॉर्टेंट है? यस सर, अगर ये ब्रेक डाउन करने के बाद इस लेवल से भी रिवर्स कर रहा है तो भी कोई बात नहीं, ये एक रेजिस्टेंस भी है,
ओके ठीक है? तो इस चीज में कंफ्यूज मत हुआ करिए, अपना स्टॉप लॉस लगाया करिए। अगर आपने स्टॉप लॉस यहां लगाया, इधर लगाया, स्टॉप लॉस कहीं पर भी लगाया, तो उसको चेंज मत करा करिए कि ऊपर स्टॉक जा रहे, मेरे स्टॉप लॉस के पास है, मैं अभी एग्जिट कर देता हूं या फिर मुझे लॉस ज्यादा हो जाएगा। वो कहीं से भी स्टॉक रिवर्स कर सकता है अपने पास वाले रेजिस्टेंस को देखकर। ओके सर, यस ओके यस सर। ओके, इसके अलावा क्या डाउट्स हैं आपके? ठीक सर ये फर्स्ट वाला मेरा क्लियर हो गया। है, सेकंड है सर मेरा, ये मेरा इंट्राडे सेटअप सर मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा कि मॉर्निंग एक एक दिन पहले वन डे फर्स्ट यानी इवनिंग को मैं सर वो सेम आपने बताया वैसे डेली टाइम फ्रेम खोलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल्स बनाए वो मैं चेक करता हूँ कि क्या कैंडल बना है। ठीक ओके है, उसके बाद में सर वो जाता हूँ 1 आवर चार्ट पे। ठीक वन है, आवर पे मैं जाके सर उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करता हूँ ठीक है, कि सपोर्ट क्या है रेजिस्टेंस क्या है, और वो हिसाब से फिर नीचे 15 मिनट्स इस पे आके फिर मैं सर एंट्री और अगर सेल लेवल और स्टॉक ये लगाने का कोशिश करता हूँ कि इसके ये लेवल के ऊपर मैं बाय करूँगा, ये लेवल के ऊपर मैं नीचे में सेल करूँगा। ठीक है, तो ये देखने के टाइम में सर RSI और VWAP का यूज़ करता हूँ। तो सर ठीक है, ये सेटअप बराबर चलेगा कि बिल्कुल मैं बराबर है। बट आप, मैं एक चीज बता दूं, जब भी आप 15 मिनट पे आप कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाओ, हाँ तो जब भी वो कैंडल जैसे सपोर्ट को ब्रेक कर रही है, तो मतलब सेल साइड हुआ, यस सर जब भी आप देखो आपने कोई सपोर्ट लाइन बनाई और वो सपोर्ट को ब्रेक कर रही हो, तो उसी टाइम मत कभी भी ट्रेड लेना। शॉर्ट टाइम, अगर आपका जो टाइम फ्रेम है वो लोअर है, आपका यस टाइम फ्रेम है 15 मिनट, वो कम है, तो यस सर कभी भी अगर वो ब्रेक करती है सपोर्ट लाइन को, तो वेट करना क्लोजिंग का पहले। यस सर ठीक है, जब आप क्लोजिंग का वेट करोगे, तो अगली कैंडल पे ऑब्जर्व करना कि वो कर क्या रहा है। वो दोबारा ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो और भी अच्छी बात है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वो शायद रीटेस्ट करके नीचे आ जाए। ठीक ओके है, अगर ऊपर ही जा रहा है, जाते रहे, तो आप बच भी जाओगे। यस सर ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो ब्रेकडाउन दे रहा होता है, बट क्लोजिंग के टाइम पे 15 मिनट के अंदर अंदर वो दोबारा ऊपर जाके क्लोज कर जाता है और आप यस अपना स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं। तो यस सर 15 मिनट पे जब भी सपोर्ट ब्रेक करे, तो क्लोजिंग का वेट करना। क्लोजिंग ओके का 15 मिनट की कैंडल ने क्लोज कर दिया, उसके बाद अगली कैंडल को ऑब्जर्व करो कि वो क्या कर रही है। अगर वो प्रीवियस वाली कैंडल, जो भी प्रीवियस वाली कैंडल जो क्लोज करी है, उसका जो लो है, जैसे मैं यहां दिखाता हूं, ये वाला सपोर्ट लाइन है, यस ये वाली सपोर्ट लाइन, इसको ब्रेक कर दिया इसने। हाँ सर जब इसने ब्रेक करा, आपने इस वाली कैंडल पे ट्रेड ही नहीं करना। आप बना ओके दो कि इसका जो लो है, ये कैंडल का ये लो है। यस सर ठीक है, अब आपको करना है, या फिर अगली कैंडल जो हमारी सेकेंड कैंडल होगी, सेकेंड कैंडल अगर इसके नीचे जाना स्टार्ट करती है, हाँ तो आप शॉर्ट करना स्टार्ट कर दो। ओके सर उसी टाइम शॉर्ट करना आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप सेकेंड कैंडल जब तक इसके नीचे नहीं जाती हो, ऑब्जर्व करो क्या करा, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहां से दोबारा नीचे रिवर्स करा। यस सर ठीक है, अब आप इस वाली कैंडल को देखना, ये वाली जो एक इतनी बड़ी विक कैंडल बनी है, हाँ सर इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ, ये नीचे जाना स्टार्ट करा, दोबारा ऊपर चला गया। तो यस मतलब सर क्या, ये वाला पॉइंट जो है, क्या वो एक इंपॉर्टेंट है? यस सर वो इंपॉर्टेंट है ना? तो यस जब सर इसे ब्रेक, इसने इसको ब्रेक करा, यस सर क्या कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिला, ब्रेक भी करा और रीटेस्ट भी करा, यहां पर आप देख सकते हैं अगली कैंडल ने, यस सर और हमें एक शार्प फॉर प्रॉफिट मिलता रहा। ठीक है, तो यस आपको जब कैंडल ब्रेक करे, तो वेट करो अगली कैंडल क्या कर रही है। अगर वो लो को ब्रेक कर रही है, तो मतलब है अगर वो ऊपर भी जाती है, तो शायद नीचे आ जाएगी। ओके सर ठीक है, या फिर सर उसे ऊपर जाने दो, अगर रीटेस्ट करके नीचे आ रहा होता, तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ओके सर ओके या आपका सर आपका जो सेटअप है वो बिल्कुल ठीक है। यस सर सर मैं इतने ये अभी 1 मंथ से यही सेटअप ट्राई कर रहा हूँ लेकिन सर उसका बराबर रिजल्ट नहीं आ रहा है सर, यानी मतलब मैं आपको फाइंड तो क्या, किस चीज में दिक्कत आ रही है? मतलब मैं आपकी, आप एक चीज मुझे बताइए, आपने जैसे कोई सपोर्ट पे शॉर्ट करा, यस सर आपने जब सपोर्ट पे शॉर्ट करा, तो आप क्या देख रहे हो कि मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। हाँ सर चलिए, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, क्या उसके बाद वो टारगेट जो आप पुट करे, वो उस टारगेट तक पहुंच भी रहा है कि वो भी नहीं पहुंच रहा? बाद सर में पहुंच रहा है हिट करके पहुंच रहा है हिट करके पहुंच रहा है वो टारगेट,
यस तो सर, आप जब स्टॉप लॉस पुट कर रहे हो तो मतलब किस बेसिस पे स्टॉप लॉस पुट कर रहे हो, आपको उसे चेंज कर रहा है, आपकी सर प्रॉब्लम क्या है, आपने एंट्री भी सही लिया है, हाँ आपका जो आपने टारगेट सेट करा है वो भी आपने सेट बहुत सही करा है, आपने बराबर जो गलत करा है वो करा है स्टॉप लॉस पुट। अब यस आपको सर वो चीज चेक करनी है। फॉर यस एग्जाम्पल अगर मैं स्टॉप लॉस, चलिए यही मानना चाहता हूं, मैं मान के चलता हूं कि यहां पर मैंने शॉर्ट करा, ठीक है, यस अब सर मैं अपना स्टॉप लॉस मैं देखता हूं कि जो मेरा इससे पहले जो एक सपोर्ट है मैं उस पर स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा, तो मेरा सपोर्ट है ये लेवल, हाँ यही लेवल मेरा सपोर्ट है, तो यस आप सर क्या करो सपोर्ट पे ही स्टॉप लॉस मत पुट करा करो। हाँ सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो एक बार रीटेस्ट भी करेगा, यस सर तो वो रीटेस्ट आपका स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है। तो जो ओके भी आपका स्टॉप लॉस, जो भी आपका सपोर्ट लेवल जहां पर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, इससे थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस पुट करा करो, ओके सर ठीक है, कि बाय यस चांस अगर वो आता भी है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने से बच सकता है। अब आपका अगर यस प्रॉफिट है ये, तो आप प्रॉफिट को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लो, ठीक है, यस आपने जब सपोर्ट को ब्रेक करके एंट्री ली तो यस आपका जो टारगेट होगा वो भी तो नेक्स्ट सपोर्ट लाइन होगी। यस सर यस और नो? आपका यस सर आपने यस, तो ये आपकी सपोर्ट लाइन है, आप देख रहे हो कि यहां पर बहुत बार सपोर्ट देखने को मिला है, तो जो स्टॉक है वो यहां तक आ सकता है, तो ओके यस आप क्या करो वहीं पर ही टारगेट पुट मत करना, टारगेट को थोड़ा सा ऊपर कर दो, यस ये बाय चांस अगर वो नहीं आता तो यहां तक तो डेफिनेटली आ सकता है। उसी सेम तरीके से अगर आपने देखा कि जब ये मेरी एंट्री है तो मेरा रेजिस्टेंस पे ही स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख दो, यस सर ठीक है, तो यस इस सर एक बार ये चीज ट्राई करके देखो, अगर ये चीज समझ में आ रही हो आपको, ठीक सर है, मैं और ये सर ये बताइए। आपने जो बताया ना वो सेम मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर क्या होता है वो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है तो मैं क्वांटिटी कम कर लेता हूँ, यानी मैं ऑल डेली में 100 क्वांटिटी में हाँ ट्रेड करता हूँ तो मैं उसको 50 कर देता हूँ, ठीक लेकिन है, सर मेरा मेरा टारगेट हिट तो रहा है, फिर प्रॉफिट में प्रॉब्लम हो जाता है सर, फिर नहीं प्रॉफिट बहुत कोई कम कोई हो बात जाता नहीं, कोई है। बात नहीं, आपने देखा कि यार मेरा ना स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, हाँ तो इसके लिए बस दो ही चीजें हैं, पहली चीज है या तो फिर रीटेस्ट का वेट करा डायरेक्ट, क्योंकि ओके जब आप रीटेस्ट का वेट करेंगे तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ओके सर ठीक है, आपने यस देखा कि ये वाले लेवल पे ब्रेकडाउन आया, हाँ आप यहां ट्रेड ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो गया, यस आपने सर देखा हाँ ऊपर रीटेस्ट करा, यहां पर भी ट्रेड नहीं कर सकते, क्या पता और ऊपर चले जाए, यस जब सर वो दोबारा नीचे आके ये वाली कैंडल ने ब्रेकडाउन दोबारा दिया इसका, यहां यस शॉर्ट करो और टारगेट स्टॉप लॉस ये रखो, यहां यस पर आपकी एंट्री है तो स्टॉप लॉस बड़ा है, यस यहां सर पर आपकी एंट्री है तो स्टॉप लॉस कम है और टारगेट बड़ा है, एक तो यस तरीका ये होता है, ओके यस ठीक सर है, या फिर यस आप क्या कर सकते हो, अगर आपका स्टॉप लॉस कम है, मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा है तो हाँ तरीका यही है, बट आपने ब्रेकडाउन पे कम क्वांटिटीज बाय करी, वो ऊपर हाँ अगर दोबारा जा रहा है आपके स्टॉप लॉस के आसपास दोबारा जा रहा है तो थोड़ी क्वांटिटीज और ऐड कर दी, जब वो रिवर्स कर रहा होगा, इस तरीके से आपने शॉर्ट इधर कर दिया, आप 100 यस क्वांटिटीज बाय करते हो, आपने इधर शॉर्ट कर दिया, ये दोबारा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, आपने कुछ नहीं करा, ये जब दोबारा नीचे आया यहां पर यस आपने 50 क्वांटिटी और ऐड कर ली, ओके सर ठीक है, तो कम यस कम सर क्वांटिटी ऐड करते रहा करो, तो उससे भी सेफ रहोगे और ऐसे भी सेफ रहोगे जब रीटेस्ट से रिवर्स करेगा, ओके सर ठीक है, यस सर ओके, सर ये भी मेरा क्लियर हो गया डाउट सर इंट्राडे सेटअप का सर। और मुझे पूछना था सर ये सर प्राइस एक्शन के ट्रेड लेने के लिए सर क्या बेसिस बेसिक चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए सर प्राइस एक्शन के लिए, यानी क्या फॉलो करना चाहिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए सर। देखिए प्राइस एक्शन बेसिकली होता है कि हर एक कैंडल की मूवमेंट को समझना, यस सर ठीक है, हर एक कैंडल की मूवमेंट को हमें समझना होता है। अब यहां पे आपको स्टॉक को समझना है, आपने देखा कि यार ये हमेशा लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्म कर रहा है, यस अब यही तो प्राइस एक्शन हुआ, लोअर लो लोअर हाई मतलब डाउन ट्रेंड, एक चीज यस सर कंफर्म हुई मेरे दिमाग में आया, डाउन ट्रेंड मतलब सेल। हाँ अब मैं क्या करूंगा, प्राइस एक्शन को फॉलो करने का सिंपल तरीका है, जब कैंडल चल रही हो उसे देखते रहो, आप दोबारा ऊपर गया नीचे आया, अब यहां पर क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस ये डाउन ट्रेंड में है, यस बट सर यहां पर क्या हुआ, जब स्टॉक ऊपर गया प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा,
हाँ बट नीचे आया तो प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं करा, तो मतलब यस यहां पर कुछ ना कुछ हो रहा है कि शायद अब ब्रेक ना करे। ओके सर आप समझ रहे हो कि मतलब लो यस को ब्रेक नहीं करा बट हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया। जब यस सर लो को ब्रेक नहीं करा, एक कंफर्मेशन तो मिला ना कि शायद आप हाँ पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, ओके सर यस सर ठीक है। तो अब जब इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगा और दोबारा नीचे आके प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा, ट्रेंड पता चल गया बुलिश। बुलिश यस अब सर आप एक चीज और देखो, आप देख रहे हो कि यार बहुत टाइम से ये लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। मतलब ऑलमोस्ट कौन से लेवल से ये लोअर लो बना रहा है, ऑलमोस्ट 1675 से ये आ चुका है 14675 मान के चलिए, मतलब 200 रुपए की गिरावट कर चुका है। यस जब इस लेवल से ये ऊपर जाना हायर हाई बनाना स्टार्ट करेगा, तो आपके पास एक बेस्ट तरीका होगा स्विंग ट्रेडिंग करने का भी, और हर दिन आप इंट्राडे में इसमें अर्न कर सकते हो। ओके सर किस तरीके से, स्टॉक ने ऊपर गया, नीचे रिट्रेसमेंट करा, हाँ सर जब रिट्रेसमेंट से दोबारा ऊपर जाएगा तब आप क्या करोगे, रिट्रेस उसका यूज करोगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ठीक है। आप मान के चलिए, जैसे रुकिए, आप मान के चलिए कि अब हायर हाई हायर लो बनना स्टार्ट हो गया है। यस सर आपने देखा ये लो है मेरा और हाँ ये मेरा हाई है, यस सर आपने क्या देखा, स्टॉक नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। हमने बोला कि 618 के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, यस सर ठीक है। चलिए एग्जैक्ट 618 पे हॉल्ट करा, हाँ अब ये रिट्रेसमेंट पे आपको ट्रेड करना है, बट 618 पे ट्रेड नहीं करना। मैंने आपको बोला था जब इसके ऊपर वाला जो लाइन है वो हाँ ब्रेकआउट सर दे तो ट्रेड कर लेना। यस सर आप यहां ट्रेड करते, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, प्रीवियस स्विंग हाई, ओके यस सर प्रीवियस स्विंग हाई आपका टारगेट है। अब मैंने हाँ आपसे क्या बोला था, ये टारगेट है, तो क्या एग्जैक्ट हाँ टारगेट पे ही आपको अपना टारगेट पुट करना है, नहीं, उससे नीचे थोड़ा सा नीचे आप अपना टारगेट पुट करो, यस सर ठीक है। यस सर बिल्कुल सेम, अब यहां पर भी अगर वो यही करता है, अब मतलब हम मान के चलते हैं दोबारा ऊपर गया, उसके बाद यहां से ये दोबारा बना दिया इसने, अब ओके ये अगर फिर नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, और यहां से फिर ऊपर जाता है, तो फिर आपके लिए बाय है, यस सर ठीक है। तो इस तरीके से आप हर दिन ट्रेड कर सकते हो, एक दिन लगातार स्टॉक 6 घंटे तक तो ऊपर कैंडल बनाएगा नहीं, कभी ना कभी तो रिट्रेसमेंट के लिए आएगा इंट्राडे के अंदर, उस यस पे आपको बाय के लिए मौके ढूंढने हैं। और यस जब भी हायर हाई बनाएगा, आप इंट्राडे में कम से कम 1 हफ्ता रेगुलरली इस बाटा इंडिया के अंदर ट्रेड कर पाओगे। ओके सर आप देखते होंगे मैं यूट्यूब पे एक स्टॉक को 3 दिन तक लगातार भी कभी कभार दे देता हूं, क्यों, इसी फॉर्मेशन से, यस ठीक है। सर जब ये ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड पे ट्रेड करते रहो, जिस दिन ट्रेंड बदलेगा उस हाँ दिन सर ही हमें लॉस होने वाला है, और उसके यस अगले दिन से भी हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, यस सर ठीक है। यस सर ओके, इसके अलावा कोई डाउट? सर लास्ट ये मेरे सब क्लियर हो गए सिर्फ सर एक लास्ट सिर्फ मेरा पर्सनल यानी इसका पूछना था कि सर मैं अभी ये पूरा है ना शेयर मार्केट यानी मार्केट रेगुलरली कर रहा हूँ सर ठीक यानी है, अर्निंग के लिए तो ठीक सर है, मुझे आपसे एक व्यू चाहिए था कि शुड आई गो फॉर इंट्राडे और स्विंग फॉर सर रेगुलर इनकम आप ये बताइए, मतलब ये आपकी साइड अर्निंग है ना? सर साइड अर्निंग थी पहले मैं 1 साल से देख रहा था अभी सर मैं फुल टाइम करने की यही मैं आपसे पूछ रहा था कि शुड आई लुक फॉर फुल टाइम और साइड ही रहने दीजिए देखिए, सही मैं सबको यही बोलता हूं, हमेशा अभी साइड अर्निंग ही इसे रखना, ठीक है। फुल टाइम बनना हो तो आपको पूरा का पूरा आना चाहिए फुल टाइम के लिए, ठीक है। ये जो आप मेरे से डाउट्स पूछ रहे हो, ये डाउट्स आपको फुल टाइम ट्रेडर की तरफ लेकर जा रही है, बट अभी आप बने नहीं हो, ओके अभी सर इसे साइड इनकम ही रखो, ये प्रैक्टिस के लिए है। आपको कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे इसको रेगुलरली, मार्केट को आप फुल टाइम ट्रेडिंग की तरह ही इसे प्रैक्टिस करो, बट तीन यस महीने दो, यस सर ठीक है। और अभी के लिए से साइड इनकम ही रखो। आप अपनी कैपिटल बताओगे, आपकी कैपिटल कितनी है? सर वही अभी सर मैंने अराउंड 2 लाख रुपीज इसमें डाला है ट्रेडिंग में तो ठीक मैं है, इसको बढ़ाकर यानी जो फुल टाइम करने के सोच रहा हूँ यानी और अभी 6 महीना मैं इसको दे रहा हूँ कि 6 महीने के बाद ही मैं इसको ये करूँगा कि कैसे करना है फुल टाइम करना है कि ये तो तभी मैं 5 लाख तक जाऊँगा ठीक, अकाउंट बिल्कुल, वेरी गुड, यही करना है। अभी 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख में से मैं आपको बताता हूं। अब आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मैं स्विंग में जाऊं या फिर मैं इंट्राडे में जाऊं, यस सर ठीक है। आपके अकाउंट कहां पर है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट? एंजल में है एंजल में है। एक यस काम करिए,
आज ही करिए मैं बताऊं तो, या फिर कल से करिए, दो जगह अकाउंट ओपन करवाइए, एक एंजल कर दीजिए, हाँ एक कोई और ट्रेडिंग, एक जीरोधा ले लीजिए, ओके सर, ठीक है? अब क्या करना, 2 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए डालो एंजल में जहां पर आप इंट्राडे करोगे, यस सर, 1 लाख रुपए डालो जीरोधा में जहां पर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे, ओके सर, 3 महीना बस ये काम करो। एक ओके लाख रुपए से स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स को फाइंड करने की कोशिश करना, बट 1 लाख रुपए में मैं आपको बता रहा हूं आप प्रॉफिट अच्छा अर्न नहीं कर पाओगे, ठीक ओके है? तो वहां पर फोकस मत करना प्रॉफिट के लिए, सिर्फ यस देखना कि मेरे को 1 महीने के अंदर रिटर्न कितना मिल रहा है। ओके सर, एक स्टॉक अगर आपको 1 महीने के अंदर 5% का भी रिटर्न दे रहा है तो भी बहुत बढ़िया चीज है वो, ओके सर, ठीक है? पूरा स्विंग ट्रेडिंग पे कभी भी प्रॉफिट की तरफ नहीं जाते, हमेशा ओके रिटर्न की तरफ जाते हैं, यस ठीक है? सर, कि आपको वो रिटर्न कितना दे रहा है। आप मान के चलो कि आप 1 लाख रुपए किसी को उधार दे रहे हो, यस आप सर, उससे 3% महीना का ब्याज ले रहे हो, यस आप वही चीज को 1 लाख रुपए को एक बार स्विंग ट्रेडिंग में लगाओ, अगर वो आपको महीने का ही 5,000 रुपया दे रही है, मतलब 5% दे रही है, जो कि मैं कह रहा हूं मिनिमम है, मिनिमम 5% जो आपको यस महीने के अंदर मिल जाता है अच्छा सर, वो आपको दे रही है, तो यही सबसे बढ़िया चीज है। बैंक आपको नहीं देता, बैंक आपको मैक्स टू मैक्स 7 से 8% सालाना देता है, यस सर, ठीक है? तो यहां पर आप एक बार क्या करो, आपको पता चल जाएगा आप किस पे स्ट्रांग हो। ओके सर, आप 1 लाख रुपए उसमें डिपॉजिट करो, 1 लाख रुपए इस पे करो, बिल्कुल 1-1 लाख रुपए, 3 महीने ओके दोनों में काम करो, 3 महीने बाद चेक करना आपके इंट्राडे के 1 लाख रुपए कितने हैं और आपके स्विंग ट्रेडिंग के 1 लाख रुपए कितने हैं, ओके सर, ठीक है? आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरा हाथ किस में स्ट्रांग है। और जब ओके रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना कि मैं इंट्राडे भी कर रहा हूं, मैं स्विंग भी कर रहा हूं, मैं सारे टाइम फ्रेम पे स्टडी करनी पड़ेगी आपको उसके लिए, जब आप सारे टाइम फ्रेम पे स्टडी करोगे आपका हाथ सेट हो जाएगा फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए, ओके सर, ठीक है? इस तरीके यस से सर, करना, और एक बार देखना है 3 महीने बाद, हर महीने, मैं तो कह रहा हूं आप हर महीने चेक करना कि मेरा यहां पर कौन सा स्टॉक हिट करे और मेरे का यहां पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहां पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपको ओके अपने आप सर, समझ में आ जाएगा, यस सर, ठीक है? यस सर, यस सर, यस। इसके यस अलावा सर, बताइए। नहीं सर, यही मेरे तीन थे तो सारे क्लियर हो गए, थैंक्स अ लॉट सर। ओके यही ओके सर, स्विंग ट्रेडिंग का ही सर मुझे पूछना था सिर्फ, कि स्विंग ट्रेडिंग में ऐसे अर्निंग हो सकता है क्या, इस देखिए, स्विंग कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड, डेफिनेटली बहुत ज्यादा अर्निंग है। मुझे मैं इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूं, मैं स्विंग ट्रेडर ही हूं, बट स्विंग ट्रेडिंग में डेफिनेटली बहुत अर्निंग है, बट मैं आपको बता दूं उसके लिए कैपिटल लगती है। यस मैं 5 लाख रुपए भी कम पड़ते हैं, मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊं तो स्विंग ट्रेडिंग में 5 लाख या 50 लाख भी कभी कभार कम पड़ जाते हैं, ओके ठीक सर, है? रिटर्न उस पे है अगर आपके पास कैपिटल अच्छी है, अगर आप एलोकेशन अच्छे से कर रहे हो, ये नहीं कि एक स्टॉक पे आपने पूरा पैसा लगा दिया और आपने देखा कि एक ही बार मैंने पूरी क्वांटिटी बाय कर ली। आप फॉर एग्जांपल बाटा इंडिया में जब ये बनाना स्टार्ट करेगा हायर हाईज हायर लोस, ठीक है? आपने सोचा यस कि यार सर, अब तो हायर हाईज हायर लोस बनाना स्टार्ट कर गया, अपने टॉप तक पहुंच सकता है, 1600 रुपए के लेवल तक पहुंच सकता है, यस सर, ठीक है? हाँ आप क्या, ज्यादातर क्या होता है, वो लोग अगर 100 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो वो पूरी की पूरी 100 बाय कर लेते हैं, वो कभी नहीं ओके, करना चाहिए। और स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा आपके पास 25% जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 25% का कैश बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, ओके सर, कभी भी उसे भरना नहीं है, 25% का कैश बिल्कुल फ्री। अगर आपको लगता है कि यार एक स्टॉक बहुत अच्छा मुझे लग रहा है तो भी उस 25% के कैश को यूज मत करा करना। आप क्या करो, आप अपने पोर्टफोलियो पे जाओ स्विंग ट्रेडिंग के, देखो यार अगर मुझे अच्छा कोई 5% से शेयर ऊपर दिख रहा है तो मैं उसे एग्जिट कर देता हूं, अगर मुझे शेयर पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो मैं ओके एग्जिट कर देता हूं, या फिर उस पोर्टफोलियो को स्टडी करो कि यार ये शेयर मैंने बाय करा हुआ ये 3 महीने से एक ही रेंज के अंदर काम कर रहा है, ये रिटर्न ही नहीं दे रहा, तो उसको एग्जिट करके दूसरे शेयर के अंदर एंटर करो, ठीक ओके है? सर, और स्विंग यस ट्रेडिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो हाँ तो उसे निकल जाना है। अगर ओके सर, आपका 5% का स्टॉप लॉस है, 5% हिट हो तो निकल ही जाना है, क्योंकि स्विंग ओके ट्रेडिंग में अगर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड, तो आपको रिटर्न, आपका जो लॉस है वो भी अच्छा खासा हो सकता है, ठीक है? अगर यस इसका मैं देखूं, अगर यहीं पर ही आपने बाय करा हुआ, फॉर एग्जाम्पल हाँ आपने सर, 5% का स्टॉप लॉस लगाया ये रुपए का, अब आपने एग्जिट ही नहीं करा, वो करते 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 कितने का लॉस दे गया, 14% का लॉस दे गया। यस सर, अब भाई जब 14% का लॉस दे गया, जब रिकवर करने जाएगा तो और भी टाइम लेगा ये जितना गिरने में लिया है,
सर, ठीक है? तो ये गलतियां कभी मत करना कि लॉसेस को जल्दी से जल्दी कट करो, और जब जो भी प्रॉफिट वाले ट्रेड हो ना स्विंग ट्रेडिंग में, यस सर, उसे ऊपर जाने दो और अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर लेकर जाते रहो। ओके सर, ठीक है? जितना ऊपर जाना है जाने दो, कभी ना कभी नीचे गिरेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, बट वो स्टॉप लॉस आपका लॉस वाला नहीं होगा, वो आपका प्रॉफिट वाला ही स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि आप बाय यस प्राइस से ऊपर ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जा रहे हो। यस सर, ठीक है? यस सर। सर ये स्विंग ट्रेडिंग यानी सर ये स्टॉक डिलीवरी में ही उठाने रहते क्या, स्विंग डिलीवरी में ट्रेडिंग? यस, वो या तो सर, बीटीएसटी भी कर सकते हो, मतलब आज खरीदा 2 दिन बाद मुझे 5% मिल गया तो मैं निकल गया, मुझे एक ओके हफ्ते बाद। ये स्विंग ट्रेडिंग में आपको ये चीज नहीं करनी है कि मैंने मुझे मेरा टारगेट नहीं आ रहा तो मैंने सिर्फ 3 3 महीने होल्ड कर लिया। ओके इतना लंबा भी टारगेट मत लेकर चलो कि मेरा 20% का टारगेट है। अगर आपको लगता है कोई स्टॉक मुझे 20% का टारगेट देने वाला है तो उसे रखो, ओके ठीक है? बट यस सर, ज्यादातर 3 महीने से ऊपर किसी भी स्टॉक को होल्ड मत करा करो, ओके क्योंकि सर, 3 महीने की ही उसकी वैलिडिटी होती है, उसके बाद ना उसमें ट्रेंड का रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाता है। ओके सर, या ओके, सर इसके ये अलावा डिलीवरी में सर फिर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते ना? आप, यस, आप उसी के लिए, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आप मार्केट को तो वॉच करोगे ना, हाँ सर, आपने हाँ मार्केट को वॉच करा, आपका स्टॉप लॉस के नजदीक आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट करा, आप एग्जिट कर दो वहां पे। ओके सो या मुझे फिर अगर उस, आप जीरोधा में, जैसे मैंने आपको बताया आप जीरोधा में हो, तो आप जीरोधा हाँ में एक जीटीटी ट्रेड होता है। ओके जीटीटी जैसे आप देखते हो कि एक रेगुलर ट्रेड होता है, एक वो होता है ब्रैकेट ऑर्डर होता है, यस सर, ठीक है? वैसे ही एक जीटीटी होता है जिसपे आप अपनी होल्डिंग पे टारगेट और स्टॉप लॉस और बाय एंट्री लगा सकते हो। आपको अच्छा सर, लगा कि यार ये स्टॉक मैं शायद मार्केट को नहीं देख पाऊं और मुझे हाँ करना है 1500 रुपए के ऊपर बाय, ओके यस सर, अब आप क्या करोगे, जीरोधा में एक जीटीटी ऑर्डर होता है, आपने डाल दिया कि कभी भी अगर ये 1500 रुपए में आएगा तो मेरा ऑटोमेटिकली बाय कर देना आप। ओके हाँ तो सर, वो अगर आपके सिस्टम पे पैसे होंगे, आप क्या उस ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे होंगे, तो वो आपका ऑटोमेटिकली ही बाय कर देगा अगर आप मार्केट में हो भी नहीं तो ओके वो। सर, और स्टॉप लॉस भी वो आपका पुट करे रखता है, वो स्टॉप लॉस 1 साल तक वैलिड भी रहता है। ओके सर, ठीक है? वो यस सर, जीरोधा में अकाउंट करवाइए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और एंजल में करवाइए इंट्राडे के लिए। ओके सर, चलेगा सर, ठीक है? यस सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। यस सर, ओके, बाय बाय। बाय सर, बाय, थैंक यू।